ओम शांति। आज 19 जनवरी 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है खुशी। सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दो। बाबा कहे यही सबसे बड़ी कृपा है। संगम युग की एक एक घड़ी जहां परमात्मा के साथ हम बिताते हैं, तो इस समय में खुशी में रहना यही नेचुरल जीवन है। बाबा कहे ये कृपा सब पर करो और यही रास्ता सभी को बताओ, ये सबसे बड़ा पुण्य है। साथ ही बाबा ने विधि बताई है सदा खुशी में रहने की, तो बाबा कहे ज्ञान का मनन चिंतन करो। ज्ञान में तो सभी होशियार हो ही, ड्रामा की कहानी को बुद्धि में रखो, स्मरण करते जाओ तो खुशी रहेगी कि जो हुआ सो अच्छा, जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा, तो निश्चिंत हो जाओ। तीसरा बाबा कहे सदा श्रीमत पर चलते रहो तो भी सदा खुशी में रहेंगे, और बाबा ने जो भी बातें बताई है उस पर विचार सागर मंथन करो। जितना जितना विचार सागर मंथन करते जाएंगे खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। खुशी से बाप को याद करो, सर्व संबंधों के आधार पर याद करो तो भी खुशी बनी रहेगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दिलाओ, यही है सब पर कृपा करना। किसी को भी रास्ता बताना ये सबसे बड़ा पुण्य है। आज की मुरली से प्रश्न है सदा खुश मिजाज कौन रह सकते हैं, खुश मिजाज बनने का साधन क्या है? उत्तर, सदा खुश मिजाज वही रह सकते जो ज्ञान में बहुत होशियार है, जो ड्रामा को कहानी की तरह जानते और स्मरण करते हैं। खुश मिजाज बनने के लिए सदा बाप की श्रीमत पर चलते रहो, अपने को आत्मा समझो और बाप जो भी समझाते हैं उसका अच्छी तरह मंथन करो। विचार सागर मंथन करते करते खुश मिजाज बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूरिहान कर रहे हैं। आज बाबा पढ़ाई नहीं पढ़ाते, बातें कर रहे हैं। यह तो आत्माएं जानती है कि एक ही हमारा बाप है और शिक्षा भी देते हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना, गुरु का काम है मंजिल बताना। मंजिल को भी बच्चे समझ गए, शिक्षाएं भी समझ गए, मंजिल को भी समझ गए। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए याद की यात्रा बिल्कुल जरूरी है। है दोनों सहज, 84 जन्मों का चक्र भी फिरता रहता है, ये याद रहना चाहिए। अभी हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ है, अब वापस जाना है। परंतु पाप आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में वापस जा नहीं सकती। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है, जो करेंगे सो पाएंगे, खुशी में भी वही आएंगे और दूसरों को भी खुशी में वही लाएंगे। औरों पर भी कृपा करनी है, रास्ता बताने की। कौन सी कृपा करनी है? रास्ता बताने की। तुम बच्चे जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है, यह भी कोई को याद रहता है कोई को नहीं, भूल जाता है। यह भी याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप टीचर गुरु के रूप में याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाबा को
बाप टीचर गुरु के रूप में याद करते रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे, परंतु चलते चलते कुछ रोला पड़ जाता है। जैसे पहाड़ों पर नीचे ऊपर चढ़ना होता है, वैसे बच्चों की अवस्था भी ऐसी होती है, रोला पड़ जाता है। कोई बहुत ऊंच चढ़ते हैं फिर गिरते हैं तो आगे से भी जास्ती गिर पड़ते हैं, की कमाई चट हो जाती है। बल कितना भी दान पुण्य करते हैं, परंतु फिर पुण्य करते करते अगर पाप करने लग पड़ते हैं तो सब पुण्य खत्म हो जाते हैं। सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना। याद से ही पुण्य आत्मा बनेंगे। अगर संग के रंग से भूल ही भूल करते जाएं, तो आगे से भी जास्ती नीचे गिर जाते हैं। बाबा कहे, संग के रंग से भूल ही भूल करते जाए तो आगे से भी जास्ती नीचे गिर जाते। संग की संभाल करने के लिए बाबा प्रेरणा देते हैं। फिर वह खाता जमा नहीं रहेगा, ना हो जाएगा, यानी घाटा हो जाएगा। पाप का काम करने से ना हो जाता है, घाटा हो जाता है, बहुत पाप का खाता चढ़ जाता है। मुरादी संभाली जाती है, बाबा कहे, मुरादी संभाली जाती है ना। बाप भी कहते हैं, तुम्हारा खाता पुण्य का था, पाप करने से वह 100 गुना हो जाता है और ही घाटे में आ जाएगा। पाप भी कोई बहुत बड़ा कोई हल्का होता है, काम है बहुत कड़ा, क्रोध है 2nd नंबर, लोभ उनसे कम। सबसे जास्ती काम वश होने से जो जमा हुआ वह ना हो जाता है, फायदे के बदले नुकसान हो जाता है। सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं। बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं, क्या कारण हुआ? अक्सर करके काम की चोट लगती है, तभी बाबा का हाथ छोड़ते हैं। यह है कड़ा दुश्मन, उनका ही बूत बनाकर जलाते हैं। क्रोध लोभ का बूत नहीं बनाएंगे, काम पर ही पूरी जीत पानी है, तब जगत जीत बनेंगे। बुलाते भी है कि हम जो रावण राज्य में पतित बने हैं, हमको आकर पावन बनाओ। गाते तो सब है पतित पावन, हे पतितों को पावन बनाने वाले सीताओं के राम आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। यह भी जानते हैं कि बाप जरूर नई दुनिया स्थापन करने आएंगे, परंतु बहुत टाइम देने से घोर अंधियारा हो गया है। ज्ञान और अज्ञान है ना, अज्ञान है भक्ति, जिसकी पूजा करते उनको जानते ही नहीं, तो उनके पास पहुंचेंगे कैसे? इसलिए दान पुण्य आदि निष्फल हो जाता है, करके कुछ अल्प काल के लिए कागविष्टा के समान सुख मिलता है, बाकी तो दुख ही दुख है। अब बाप कहते हैं, मां मेकम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अब देखना है हम कितना याद करते हैं। जो पुराना खत्म हो नया जमा हो, कोई तो कुछ भी जमा नहीं करते, सारा मदार है याद पर। याद बिगर पाप कैसे मिटे अथवा कटे? पाप तो बहुत है जन्म जन्मांतर के, इस जन्म की जीवन कहानी सुनाने से कोई जन्म जन्मांतर के पाप कट नहीं जाएंगे, सिर्फ इस जन्म की हल्काई हो जाती है। इस जन्म की अगर सुना दिया तो हल्काई हो जाती, बाकी तो मेहनत बहुत करनी है। इतने जन्मों का जो हिसाब किताब है वो योग से ही चुकतू होने वाला है। विचार करना चाहिए कि हमारा योग कितना है। हमारा जन्म
सतयुग के आदि में हो सकेगा? बाबा कहे, देखो अपने आप में, जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग के आदि में जन्म लेंगे, वह छिपे नहीं रह सकते। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, पिछाड़ी में जाकर थोड़ा पद पाते हैं। अगर पहले आते भी है तो नौकरी करते हैं, यह तो कॉमन बात है समझने की। इसलिए बाप को बहुत याद करना है। तुम जानते हो हम नई दुनिया के लिए विश्व का मालिक बनने आए हैं। जो याद करेंगे उनको जरूर खुशी रहेगी। अगर राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि हम राजा बनने वाले हैं। जो सेंटर खोलते हैं, सर्विस करते हैं, उनकी भी कमाई होती, उनको भी बहुत फायदा मिलता है, उनको भी उजूरा मिल जाता है। कोई 3-4 सेंटर भी खोलते हैं ना, जो जो करते हैं उनका हिस्सा तो आता है ना, मिलकर माया के दुख का छप्पर उठाते हैं, तो इसमें कंधा सब देते हैं, तो सबको उजूरा मिलता है। बाबा कहे, ये माया का छप्पर उठाने में सबका कंधा लगता है, तो सबको उजूरा यानी उसका फल मिलता है। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं, उनको खुशी बहुत होती है। दिल जानती है हमने कितनों को रास्ता बताया है, कितनों का उद्धार किया है। सब कुछ करने का समय तो यही है, खान पान तो सबको मिलता ही है, कोई तो कुछ भी काम नहीं करते हैं। जैसे मम्मा ने कितनी सर्विस की, सर्विस से उनका बहुत कल्याण हो गया, इसमें भी सर्विस बहुत चाहिए। योग की भी सर्विस है ना, कितने डीप डायरेक्शन मिलते रहते हैं, अभी तो आगे चलकर क्या क्या पॉइंट्स निकलेगी, दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएंगी, नई नई पॉइंट्स निकलेगी। जो सर्विस में तत्पर रहते हैं वह झट पकड़ लेते हैं, बाबा जो नई नई पॉइंट्स देते हैं उसको झट पकड़ लेते हैं। जो सर्विस नहीं करते उनकी बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं, बिंदी रूप कैसे समझे। तुम कोई से पूछो आत्मा कितनी बड़ी है, आत्मा का देश काल बताओ, तो कभी नहीं बता सकेंगे। मनुष्य परमात्मा का नाम रूप देश काल पूछते हैं, तुम आत्मा का पूछो तो मूंझ जाएंगे। इसको भी मालूम नहीं है, आत्मा इतनी छोटी बिंदी, उसमें इतना सारा पार्ट भरा हुआ है। यहां भी बहुत है जो आत्मा परमात्मा को जानते ही नहीं, सिर्फ विकारों का संन्यास किया है, वह भी कमाल है। सन्यासियों ने विकारों का संन्यास किया है, बाकी जानते नहीं। सन्यासियों का धर्म अलग है, ये ज्ञान तुम्हारे लिए है। बाप समझाते हैं, तुम पवित्र थे, फिर अपवित्र बने, अब फिर पवित्र बनना है। तुम ही 84 का चक्र लगाते हो, दुनिया में जरा भी इन बातों को नहीं जानते। ज्ञान अलग, भक्ति अलग है। ज्ञान चढ़ाता है, भक्ति गिराती है, तो रात दिन का फर्क है। मनुष्य भल कितना भी अपने को वेदों शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। भूलने कारण ही खुशी गुम होती है, नहीं तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा से तुमको ये वर्षा मिल रहा है, बाबा साक्षात्कार करा देते हैं, परंतु साक्षात्कार किया श्रीमत पर नहीं चले तो फायदा ही क्या। बाप को दुख में सिमरण करते हैं, बाप को कहते हैं लिबरेटर, हे राम, हे प्रभु कहते हैं,
परंतु वह कौन है जानते नहीं। भक्ति में कोई ऐसे नहीं कहते कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बिल्कुल नहीं। अगर कहते होते तो परंपरा चला आता, भक्ति तो चली आती है ना। भक्ति अथाह है, ज्ञान है एक। मनुष्य समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, परंतु कैसे कब ये नहीं जानते। भक्ति कब शुरू होती है, कौन जास्ती भक्ति करते हैं, ये कोई नहीं जानते। क्या इतना 40,000 वर्ष और भक्ति करते रहेंगे? पूछते बाबा, क्या इतना 40,000 वर्ष और भक्ति करते रहेंगे? एक तरफ मनुष्य भक्ति कर रहे हैं, दूसरे तरफ तुम ज्ञान पा रहे हो। मनुष्य से कितना माथा मारना पड़ता है, इतनी प्रदर्शनी करते हो, फिर भी निकलते कोटों में कोई है। कितनों को आप समान बनाकर ले आते हैं? सच्चे सच्चे ब्राह्मण कितने हैं? ये हिसाब अभी निकाल नहीं सकते। बहुत झूठे बच्चे भी है। सच्चे ब्राह्मण कौन है बाबा, का हिसाब नहीं निकल सकता क्योंकि झूठे बच्चे भी है। ब्राह्मण लोग कथा सुनाते हैं, बाबा गीता की कथा सुनाते हैं, तुम भी सुनाते हो यथा बाबा तथा बच्चे। बच्चों का भी काम है सच्ची सच्ची गीता सुनाना। शास्त्र तो सबके हैं, वास्तव में जो भी शास्त्र आदि है वह सब है भक्ति मार्ग के। ज्ञान का पुस्तक एक ही गीता है। गीता है माय बाप, बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं। मनुष्य फिर ऐसे बाप की ही ग्लानी करते हैं। शिव बाबा की जयंती है हीरे तुल्य, ऊंचते ऊंच भगवान ही सदगति दाता है, बाकी और किसकी महिमा कैसे हो सकती है। देवताओं की महिमा करते हैं, परंतु देवता बनाने वाला एक बाप ही है। हमारा कंस्ट्रक्शन भी होता है तो डिस्ट्रक्शन भी होता है, दोनों कार्य एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ नई दुनिया की स्थापना कंस्ट्रक्शन का, दूसरे तरफ पुरानी दुनिया का महाविनाश यानी डिस्ट्रक्शन का। बहुत है जो कुछ समझा नहीं सकते। तो स्थूल काम करो। मिलिट्री में सब काम करने वाले होते हैं, कहा भी जाता है पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़े। मम्मा बाबा जो करते हैं उनसे सीखो, तुम भी समझ सकते हो अनन्य बच्चे कौन है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा भी नाम बताएंगे कि फलाने को फॉलो करो। जो सर्विसेबल नहीं वो औरों को क्या सिखलाएंगे, वह तो और ही टाइम वेस्ट कर देंगे। बाबा समझाते हैं, अपनी उन्नति करना चाहते हो तो यहां कर सकते हो। चित्र रखे हैं, हमने 84 जन्म कैसे लिए, ये अब समझा है तो दूसरों को समझाओ। कितना सहज है, ये बनना है। कल इनकी भक्ति करते थे आज नहीं, कल इनकी भक्ति करते थे आज नहीं, नॉलेज मिल गई। ऐसे बहुत आकर नॉलेज लेंगे। जितना तुम सेंटरों का जास्ती घेराव डालेंगे तो बहुत आकर समझेंगे। सुनने से उनको खुशी का पारा चढ़ जाएगा। नर से नारायण बनना है। सच्ची सत्य नारायण की कथा भी है। भक्ति से तो गिरते ही जाते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता ज्ञान क्या चीज है। तुमको बेहद का बाप यथार्थ समझाते हैं। बाबा कहते हैं कल तुमको राजाई दी, फिर तुम्हारी राजाई कहाँ गई? हिसाब पूछते बाबा, कल तुम्हें राजाई दी फिर तुम्हारी राजाई कहाँ गई? ये तो खुद जानते हैं, ये तो खेल है। एक ही बाप है जो सारे खेल का राज बताते हैं। हम कहते बाबा आप बांधे ले हो ड्रामा। बच्चे क्या कहते, बाबा आप बांधे ले हो ड्रामा में।
आपको आना ही पड़े, पतित दुनिया और पतित शरीर में ईश्वर के बहुत महिमा करते हैं। बच्चे कहेंगे, बाबा हमने आपको बुलाया तो आपको आना ही पड़ा हमारी सर्विस करने, अथवा हमको पतित से पावन बनाने। बच्चों ने बुलाया तो बाबा भी बांधे ले हैं ड्रामा में, तो आना ही पड़ा पतित दुनिया में पतित शरीर में, इसलिए हमको पतित से पावन बनाने। कल्प कल्प हमको सुदेवता बनाकर आप चले जाते हो, यह जैसे एक कहानी है। बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसी बातें करते, रूरिहान करते बाबा के साथ, तो ये जैसे एक कहानी है। जो होशियार है उन्हों के लिए तो एक कहानी है। तुम बच्चों को खुश मिजाज होना चाहिए, हम बच्चों को सदा खुश मिजाज होना चाहिए। बाबा भी ड्रामा अनुसार सर्वेंट बना है। बाप कहते हैं, मेरे मत पर चलो, अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो, नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। बाप जो समझाते हैं उनको अच्छी तरह मंथन करो, बुद्धि से समझते हो। हम आए हैं यह बनने के लिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाकर बाबा कहे, हम आए हैं ये बनने के लिए, ये बात बुद्धि से समझते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, भगवान वाच, वो लोग भगवान को मनुष्य समझ लेते हैं या निराकार कहते हैं। तुम आत्माएं भी सब निराकारी हो, शरीर लेकर पाठ बजाती हो, बाबा भी पाठ बजाते हैं। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको ही निश्चय होगा कि हम माला का दाना अवश्य बनेंगे। नर से नारायण बनना है, भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत होता है, माया तूफान में लाती है। माया का इतना ऑपोजिशन है, तूफान में ले आती है, और हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, विचार सागर मंथन कर अपार खुशी का अनुभव करना है, औरों को भी रास्ता बताने की कृपा करनी है। संग के रंग में आकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, माया के दुखों का छप्पर उठाने के लिए मिल करके कंधा देना है। सेंटर्स खोल अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपने बोल की वैल्यू को समझ उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। अपने बोल की वैल्यू को समझ उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। जैसे महान आत्माओं को कहते हैं सतवचन महाराज, तो आपके बोल सदा सतवचन अर्थात कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। ब्राह्मणों के मुख से कभी किसी को श्रापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए, इसलिए युक्ति युक्त बोलो और काम का बोलो। बोल की वैल्यू को समझो, शुभ शब्द सुख देने वाले शब्द बोलो, हंसी मजाक के बोल नहीं बोलो। बोल की इकोनॉमी करो तो महान आत्मा बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग
हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। आज का अव्यक्त इशारा अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जहां डबल लाइट की स्थिति है वहां मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।